सूर्य आराफ 8। 178। ठीक है, इस पे क्या सवाल है आपका? जी तो इसकी जरा तो इसी में जो है मेरा सवाल था कि जो है यहाँ पे अल्लाह ताला देखे क्या कहने की, हमने बहुत से इंसान और जिनों को पैदा ही इसलिए कि जहन्नुम के लिए किया है, उनके साथ दिल है जिनसे समझते नहीं, उनके कान है उससे हाँ वो सुनते नहीं। तो इसमें जी मेरा यह हाँ, इतराजात था कि जो अल्लाह यहाँ पे खुद ही सिर्फ कह ही रहा है कि हमने पैदा ही उनको जहन्नुम के लिए किया है इंसानों जिनों को, तो इसमें जी ये जुल्म कर रहा है अल्लाह उन पर, क्योंकि ये तो सरासर जुल्म है जब वो खुद ही कह रहा है कि हमने इनको पैदा किया है जहन्नुम के लिए। तो इसमें कोई इसमें फ्री विल नहीं है उसका, तो कोई बस ही नहीं है उसका जिसको पैदा किया है, तो उस पर अगर आप बता पाए। जी देखिए, इसके अंदर सिंपल सी बात है कि आप बताओ कि आप कैसे क्रिएटर की इबादत करते हो, जी जिसको होने आप अगर मानते तो कैसे क्रिएटर को मानते, जिसको होने के बाद मालूम पड़े या जिसको पहले से मालूम है? पहले से पहले जी पहले से मालूम है ना, तो पहले से मालूम, से जब पहले बनाया तो मालूम जी है कि कौन क्या करने वाला है ना। तो यहां पर फ्री विल तो कुरान की आयतों से जी साबित है, बहुत सी आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि इम्मा शाकिरिन इम्मा कफूरा, जैसे एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि चाहे तो शुक्रगुजार बनो चाहे तो इनकार करने वाले बनो। हाँ, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है, इंसान को फ्री विल दिया है। ये तो हम लोग खुद तजुर्बे से भी जानते हैं कि हम जानते हैं कि चाहे तो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं चाहे तो कोई बुरा काम कर सकते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। कुरान की बहुत जी सारी आयतें हैं, फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, जो चाहे तो ईमान लाए जो चाहे तो इनकार करे। अल्लाह सुब्हान ताला ने फ्री विल तो इंसान को दिया। अब बाज ऐसे लोग हैं जो इस फ्री विल से गुनाह के काम करते हैं, कुफर के काम करते हैं, और जो वो काम कर रहे हैं वो अल्लाह को पहले से पता है, अल्लाह को पहले से पता है, क्योंकि हम जिस मालिक में की इबादत करते हैं उसको हर चीज पहले से पता है, होने के बाद पता चलती है ऐसा नहीं है। सही है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जब वो इंसानों को और वो जिनों को बनाया जो जहन्नम जाने वाले थे, तो पहले से अल्लाह ताला जानता था कि क्या करने वाले हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने मौका दिया है ताकि कयामत के दिन कल कोई ये शिकायत नहीं कर सकता था कि अल्लाह मुझे मौका मिलता तो मैं गुनाह के काम नहीं करता, अल्लाह अगर तुझे दुनिया में भेजता तो मैं ईमान के साथ जिंदगी गुजारता, नेक काम करके आता। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को पूरा मौका दिया है, अब वो इंसान चाहे तो गलत काम करे चाहे तो अच्छा काम करे। अब यहां क्या मामला है ना कि जो इंसान खुद अपनी इसलाह करने की जगह, खुद अपने आप को करेक्ट करने की जगह अल्लाह ताला को दोष देना शुरू करते हैं, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, खुद की गलती है, तो एक ह्यूमिलिटी ये होती है इंसान की, ईमानदारी और हम्बलनेस होती है, वो ये होती है कि इंसान खुद कबूल करे कि हाँ मैं गुनहगार हूं मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, खुद गुनाह का रास्ता लेते हैं और दोष किसको देना चाहते हैं, आसमान और जमीन के बनाने वाले को दोष देना चाहते हैं जिसने उन्हें बनाया सब कुछ दिया, तो ये क्या चीज है, ये गलत बात है। तो यहां पर बात वाज है, आपका क्या सवाल है इस बारे में बताइए, इसमें ये नहीं कहा वो तो दिया है कि आपकी बात फ्री सही, लेकिन जो है नहीं वो तो आपकी बात सही, लेकिन इसमें तो अल्लाह ताला साफ साफ सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने पैदा ही उनको इसलिए किया है। सवाल का जवाब भी है, शेख शाबान क्या बोल रहे हैं? देखिए आप सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने कहा जरा ना हमने पैदा किया ले जहन्नम, जहन्नम के लिए पैदा किया। असल में दो चीजें हैं, एक होती है अल्लाह की मशीयत और एक होती है अल्लाह की रजा। यहाँ पर मशीयत वाली बात मुराद है, क्या मतलब, जैसे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, अब ये कहा कि तुम चाहो तो ये बॉटल उठाओ और चाहो तो ये उठाओ, एक में जहर है एक में शहद है, अब आप उठाने जा रहे हैं, अब आप उठाने जा रहे हैं कोई एक, मान लीजिए जहर उठाने जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका हाथ नहीं पकड़ा, हालांकि अल्लाह ताला अगर चाहे तो आपका हाथ पकड़कर जहर से रोक सकता है, लेकिन उसकी मशीयत के तहत वो नहीं रोकता, कुफर भी है शिर्क भी है। अब मशीयत के तहत आपको आजादी, अब आप शिर्क करने जा रहे हैं, अब अल्लाह ताला अगर चाहे ना तो आपके दिल को वही बदल दे, या अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो आपको कुछ कर दे उससे आप रुक जाए ना कर पाए, ये अल्लाह ताला कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। ये मशीयत इस आयत में जिस बात का जिक्र है कि हमने जहन्नम के लिए पैदा किया, वो मशीयत का जिक्र है। दूसरी चीज है रजा, अल्लाह तबारक तआला खुश किससे होता है, अल्लाह तबारक तआला सच से खुश होता है, हक से खुश होता है, इसमें उसका जिक्र नहीं है, इसमें मशीयत का जिक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने रोका नहीं। तो पैदा करने का मतलब वही है कि अपनी मशीयत के तहत बहुत सारे लोगों को ऐसे पैदा किया है जो जहन्नम ही में जाएंगे, तो यहाँ पैदाइश पे असल फोकस है।
पैदा किया है जिनको, जिन्नातों और इंसानों को, वो जहन्नम ही में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला को जैसे जैद भाई ने शुरू में बता दिया, अभी बहुत आसान जवाब है, यानी इससे आसान जवाब है समझने वाले के लिए, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म का जिक्र कर दिया है जो कि उसे पहले से मालूम है। बस बात सिर्फ इतनी सी है, ना कि ये बताया है कि हमने फैसला कर दिया इनको जहन्नम में डालने का, वो अपनी मशीयत का जिक्र किया। अब आप काउंटर कर जी, कोई आपका काउंटर क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और बाकी अगर आपका सवाल हो कि इस्लाम में फ्री विल है या नहीं, वो तो आपकी स्क्रीन पे ये पांच आयतें लेके आया, जो पांच आयतों में क्लियरली दिया हुआ है कि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ह तौर पे बताया है कि तुम्हें फ्री विल दिया गया है, इम्मा शाकिरिन इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बनो चाहे तो इनकार करने वाले बनो। तो ये सारी आयतें वाज़ह है कि फ्री विल तो है।